मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत एक स्पॉन्सरशिप नाम से स्कीम संचालित है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको 4,000 रुपये का अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। विशेष रूप से ऐसे बच्चे या तो जो विकलांग हैं या किसी बाल गृह संप्रेक्षण गृह में रहकर वहाँ से पुनर्वासित किए गए हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या बच्चा स्वयं गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित है, अथवा ऐसे बच्चे जो बाल श्रम से मुक्त कराए गए हैं अथवा भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए हैं, ऐसे बच्चों को भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है ताकि वो अपनी शिक्षा और पोषण को जारी रख सके। तो ये जो एज लिमिट क्या रहेगी और आवेदन इसमें कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें आयु सीमा अधिकतम 18 वर्ष है। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को फिलहाल अभी ऑफलाइन ही आवेदन करना होता है। आपको अपने संबंधित जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से इस योजना का फॉर्म मिल जाएगा और वहीं पर इस फॉर्म को भर के जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट के रूप में सबसे पहले तो जिस कैटेगरी में आप लाभ ले रहे हैं उस कैटेगरी का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप उस कैटेगरी के हैं। दूसरा, आप शिक्षा में अगर 6 साल से बड़ा बच्चा कोई है तो उसे किसी न किसी विद्यालय में पंजीकृत होना जरूरी है और विद्यालय से इस बात का एक बोनाफाइड चाहिए होता है कि बच्चा इसमें पढ़ रहा है। इसके अलावा बच्चे का एक बैंक खाता जो गार्जियनशिप में खुला हो, आय प्रमाण पत्र जो शहरी क्षेत्र के लिए 96,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,200 रुपये है, ये होना अनिवार्य है। तो अब अप्लाई के कितने दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बच्चे को कब तक ये अनुदान मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, इस योजना के अंतर्गत जनपदों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। गत वर्ष 125 बच्चों का हमारे पास टारगेट था और अभी लगभग 200 और टारगेट हमें मिलने की उम्मीद है। तो इस साल हमारे पास 325 बच्चों का टारगेट होगा। तो ये जो 200 अतिरिक्त लक्ष्य हमें मिलने वाला है उसके लिए हम फॉर्म ले रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जनपदों में भी अलग अलग लक्ष्य रखा गया है जहाँ से लाभार्थी आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।